हेलो टीचर्स, कोर्स क्रिएटर, अगर आप भी अपने कोचिंग, अपने ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स की मार्केटिंग बड़ी जोरों शोरों से करना चाहते हैं और उस मार्केटिंग की मदद से सच में मोटा बिजनेस लेके आना चाहते हैं, तो टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सच में आपको ऑर्गेनिकली बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीग्राम पर आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टेलीग्राम एज अ मार्केटिंग टूल कैसे यूज करना है और क्या सच में इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है टेलीग्राम पे जिसको आप प्रायोरिटाइज कर सको। बेसिकली आज के टाइम पे कोचिंग इंडस्ट्री कहाँ वर्कआउट कर रही है, तो फेसबुक पे काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब सबसे ज्यादा काम किया जाता है, यूट्यूब पे काम करते हैं एंड इसके अलावा खुद का एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो मार्केटिंग होती है इन टूल्स से। तो फेसबुक भी एक टूल समझ लीजिए, इंस्टाग्राम एक टूल प्लेटफॉर्म के रूप में देख लीजिए, वैसे ही टेलीग्राम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप टेलीग्राम को स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और अगर आप टेलीग्राम पे ऑलरेडी काम कर रहे हो और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो ये वीडियो बहुत काम का है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टेलीग्राम ही क्यों। भाई साहब, आज के टाइम पे यूथ जनरेशन जो है ना पूरी इंडिया की, वो टेलीग्राम पे पूरी तरीके से एक्टिव है। एक्टिव क्यों है, इसका रीजन देखो। टेलीग्राम पर आपको मूवी डाउनलोड करना है, हो जाती है। आपको कोई कोर्स डाउनलोडेड चाहिए, मिल जाता है। आपको बड़ी से बड़ी फाइल शेयर करना है, हो जाती है। टेलीग्राम पर ग्रुप चैट हो रहा है। टेलीग्राम अपने आप में एक यूट्यूब है, अपने आप में एक व्हाट्सएप है, और टेलीग्राम अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो सोशल ग्रुप, सोशल चैनल की तरह वर्क कर रहा है। बहुत वास्ट है टेलीग्राम, और जितना वास्ट टेलीग्राम उतनी ही ज्यादा टेलीग्राम पर है ऑडियंस। तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि टेलीग्राम पे लक के काम करने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम एक शानदार सा फीचर लेकर आया है, टेलीग्राम लाइव। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो एक दो फीचर आपको पहले वो एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, टेलीग्राम लाइव और फीचर के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको एक बार बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो या फिर आप अपना ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो, तो AI वॉक के 4K PTZ कैमरे के साथ में, डिजिटल बोर्ड के साथ में, भारत के अलग अलग कोनों पर EduScots की बेस्ट एक्सपर्ट टीम आती है, आपके लिए शानदार सा स्टूडियो सेटअप करती है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करवाना है, एक स्टूडियो सेटअप करवाना है, तो EduScots को इस नंबर पर याद कर सकते हैं। ये मैंने मेरी मार्केटिंग कर दी, अब आपको टेलीग्राम की मार्केटिंग बताता हूं। देखो, टेलीग्राम पर इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए बड़े से बड़े कोचिंग, दृष्टि, मेड, EduScots जैसे नाम क्या करते हैं, तो सबसे पहले वहां पर डाले जाते हैं क्विज। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्विज डालकर, डेली अपडेट देकर, एजुकेशन PDF डालकर, कंटेंट अपलोड कर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस को बांध के रख सकते हो। टेलीग्राम एक सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप कभी देखिएगा, आप सर्च करिए टेलीग्राम पे जाकर और सही MBBS कोचिंग, तो आपको ढेर सारे ग्रुप्स और चैनल्स के ऑप्शन दिखने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक नीड अगर जो होती है ना, तो वो टेलीग्राम सर्च भी करता है। देखो, व्हाट्सएप पे बेसिकली व्हाट्सएप चैनल का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो टेलीग्राम की वजह से आया है। दो फाइट चल रही है, फेसबुक व्हाट्सएप ये साथ में एक तरफ, और टेलीग्राम एक तरफ, ट्विटर एक तरफ, तो ये सब फाइट चल रही है। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर बेस उनके प्लेटफॉर्म पे हो, तो टेलीग्राम की सबसे बड़ी खासियत है। इसको ध्यान में रखते हुए हजारों टीचर्स ने, लाखों कोचिंग ऑनर्स ने अपने चैनल से कई एडमिशन कराए, बट अब जो शानदार सा फीचर आ चुका है ना टेलीग्राम पे फीचर है कि आप डायरेक्टली लाइव जा सकते हैं अपने ग्रुप और अपने चैनल में। तो चैनल की बात करता हूँ, चैनल पे लाइव जाना मतलब बहुत ही आसान है। मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को एक बार देखिएगा, आपका काम पूरा इजी हो जाएगा। अब आपको समझना होगा कि भैया हम तो यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं, और फिर टेलीग्राम पे लाइव क्यों जाएं? देखो, यूट्यूब पे लाइव जाना और टेलीग्राम पे लाइव जाना बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। क्यों? देखो, यूट्यूब का लाइव का मैकेनिज्म, एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है ये समझते हैं। सबसे पहला देखो, यूट्यूब पे आप लाइव गए, अब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, तब भी 1 मिलियन के मिलियन जो आपके जो यूजर्स है उनको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता। दूसरा, चाहे आपके यूजर एक्टिव हो, चाहे वो अवेलेबल हो, तब भी उनकी फीड पे या फिर उनके ब्राउज फीचर पे ये इंफॉर्मेशन नहीं जाती कि आप लाइव हो। मतलब यूट्यूब सिंपली सबसे पहले आपके किसी भी वीडियो को थोड़े से सब्सक्राइबर को दिखाता है जो एक्टिव है, उसके बाद में अगर उस वीडियो पे इंटरेस्ट बन रहा है तो फिर आगे दिखाते जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, मतलब यूट्यूब आपको 1 मिलियन की रीच देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। टेलीग्राम क्या करता है, टेलीग्राम की जो खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम पे अगर आपके 10,000 यूजर है ग्रुप के अंदर,
तो 10,000 की हजार अगर वो एक्टिव उन्होंने नोटिफिकेशन को अलाउ किया हुआ है तो 100% उनको नोटिफिकेशन जाएगा, सबको उस चैट बॉक्स में ओपन होगा। तो जैसे हम कभी भी हमारी व्हाट्सएप चैट में कोई भी चैट ओपन नहीं छोड़ते, सेम टेलीग्राम पर जो एक्टिव यूजर्स है ना, स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और यही फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मतलब जहां पर यूट्यूब पर आपके 1 मिलियन होने के बाद भी आपके व्यूज 10,000-5,000 आ रहे हैं तो टेलीग्राम पर ये बहुत अच्छा नंबर होगा। आप डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अपनी ऑडियंस को जानेंगे, आप ऑडियंस से कम्युनिकेट करेंगे। मतलब एक जगह पर आप यूट्यूब पे लाइव जा रहे हो, एक जगह पर आप टेलीग्राम पे लाइव जा रहे हो, साथ की साथ में कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा, बहुत आसान होगा और इससे एक अलग इंट्रैक्शन बनेगा। इसके साथ साथ आप समझो यूट्यूब पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, चैट के माध्यम से। यहाँ पर टेलीग्राम ने रेज हैंड का ऑप्शन दे दिया है, जैसे ही आप एज एडमिन इसको एक्सेप्ट करोगे स्टूडेंट आपसे बात कर सकता है, जो भी कनेक्ट करेगा, जिसके भी जो भी डाउट होंगे। टेलीग्राम का जो वीडियो वाला जो लाइव जाने वाला अपडेट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डेस्कटॉप से लाइव जा सकते हो, आप अपने स्टूडियो से OBS के थ्रू पे लाइव जा सकते हो, सेम जैसा यूट्यूब पे हो रहा था। तो देखो मैं हमेशा एक कहता हूँ कि जैसे आपने एक पोस्ट बनाया, अब इस पोस्ट को आप कहाँ कहाँ पे डाल सकते हो बीइंग अ कोचिंग ऑनर, नोट करिएगा, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो कम्युनिटी पोस्ट पर डालिए, दूसरा आपका गूगल माई बिजनेस है वहाँ पर आप पोस्ट शेयर कर सकते हो, ट्विटर हो गया जो आजकल एक्स है, उसके बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पर आप डालिए। क्योंकि आपने एक कंटेंट बना लिया, इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड करे करिएगा। जैसे अब लाइव जाते हैं आप, तो कहाँ कहाँ लाइव जा सकते हो? आप अगर एक एक जनरिक टॉपिक पे लाइव जा रहे हो या कोर्स के प्रमोशन पे लाइव जा रहे हो या फिर कोई ऐसा हॉट टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आप फेसबुक पे लाइव जाइए, आप यूट्यूब पे लाइव जाइए और अब आपको टेलीग्राम भी सिलेक्ट करना होगा। ब्यूटी क्या है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है कि एक स्ट्रीम की से आप अलग 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 प्लेटफॉर्म पर लाइव जा सकते हो। तो टेलीग्राम पर लाइव जाने में आपको कोई अलग एफर्ट नहीं लगाने, बस आपको शांति से समझदारी के साथ में उसे यूटिलाइज करना है। टेलीग्राम का ऑडियंस बेस अलग होता है। मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूं। देखो आप भी हैबिचुअल है डिजिटल मीडिया के, तो आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की आदत लग चुकी है आपको। बहुत से लोगों की आदत है फेसबुक चलाने की, इंस्टाग्राम चलाने की। जैसे मैं अपनी खुद बात करूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल अपने काम को लेकर थोड़ा सा इन्वॉल्व होता हूं तो मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है लिंक्डइन चलाने पे, मैं वो काफी चलाता हूं। तो हर ऑडियंस हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आपकी ऑडियंस मैंने अपने इस एक्सपीरियंस की मदद से बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर ब्लाइंडली अवेलेबल है। हर टाइप का स्टूडेंट अवेलेबल है, चाहे वो UPSC का स्टूडेंट हो, चाहे वो MBBSC का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी CPT वाला स्टूडेंट हो, हर टाइप का स्टूडेंट टेलीग्राम पर अवेलेबल होता है। क्योंकि टेलीग्राम सिर्फ पढ़ने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है ना, टेलीग्राम पर वो खुद एंटरटेनमेंट के लिए भी जाता है। तो ये ब्यूटी है कि आप यूट्यूब से टेलीग्राम को कंपेयर कर लोगे तो दोनों में बेहतर कौन सा होगा, तो अभी के टाइम पे यूट्यूब नो डाउट है, पर टेलीग्राम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए टेलीग्राम अभी नया ये ऑप्शन लेके आया है और इस ऑप्शन को जितना जल्दी लोग अडॉप्ट करेंगे उतना फायदा होगा। देखो एक बात समझना, जल्दी आप लाइव पढ़ाना स्टार्ट करोगे आपको फायदा बहुत जल्दी मिलेगा। पता नहीं आने वाले टाइम में अगर आपके टेलीग्राम पे भी ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, हर किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, हर किसी को अपडेट नहीं मिलेंगे, तो शायद वो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब शॉर्ट्स का जमाना आया था तो देखो कितने चैनल ने अपनी लाइव बना ली, कितने लोगों ने शॉर्ट डाल डाल के अपने आप को इतना फेमस कर लिया। तो सही टाइम पे प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए थे, इसको मैं समराइज करता हूँ। पहले तो टेलीग्राम पे लाइव जाना चाहिए, क्विज शेयर करना चाहिए, PDF शेयर करना चाहिए, आपको अपने बेसिक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वीडियोस कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। तो टेलीग्राम का ग्रुप क्या है, सिंपल सा एक ग्रुप है जहाँ पर सब बच्चे जुड़े हैं और वो आपसे कुछ ना कुछ इनपुट चाहते हैं। ब्लैंक डेड ग्रुप में कोई रहना नहीं चाहता, करके देखिएगा। वहाँ पर आप कोर्स प्रमोट करिए, टेस्ट सीरीज प्रमोट करिए, नोट प्रमोट करिए, सब कुछ करके देखिए, इतना बड़ा फायदा मिलेगा। और इस वीडियो से आपको 101% अगर वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और टेलीग्राम से रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई लॉजिक है, कोई इनपुट है जो या मैंने छोड़ा हो या मैंने कुछ गलत बताया, तो प्लीज़ आप करेक्ट करिएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के साथ साथ बहुत सारे लोग कमेंट पर भी जाते हैं, कमेंट भी देखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।